जौनपुर पहुंचे भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि मायावती जी अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि वो सिर्फ वोट मांगने का काम कर रही हैं। कांग्रेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का परिवार पाकट काटने में माहिर है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव के राज में बेटियों की इज्जत नलाम हो रही है और नारा दिया है बेटी को बेस पसंद। गाना तो गाना बटे लेकिन आपसे दिल से पुकार। तो इस सब तो पूरा परिवार भी पाकिट काटने के लिए फेमस है, काट दिया कैसे? अब क्या दीदी हंसा दिया। राहुल गांधी के हाथ में इतना दम है कि दर्जी सिया हो पाकिट और हाथ डालकर उसको फाड़ दे। अगर हो तो चुनौती देता हूँ किसी दिन मंच पे हम जौनपुर के दर्जी का सिया हुआ कुर्ता देते हैं जो राहुल गांधी डाल के फाड़ दे। लेकिन क्या है कि उनको ये लोग तो पॉकेट ही काटते रहे हैं और ऊपर से अखिलेश जी के साथ मिल के कह रहे हैं बेबी को बेस पसंद है। उन्हें शर्म नहीं लगती है? बेटियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बेटियों के साथ उनका इज्जत लूटा जा रहा है, बेटियों को तकलीफ हो रही है और आप लोग गाना गा रहे हो बेबी को बेस पसंद है। शेम शेम। अखिलेश जी आपने गधा का अपमान किया है। ये नंबर को पढ़ता भी नहीं है कि बाबा साहब ने कहा कहा क्या है। बाबा साहब ने संसद में कांग्रेस के लिए क्या कहा, बाबा साहब ने अलग अलग समय पे क्या कहा, ये कोई नहीं पढ़ रहा। अगर ध्यान से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो कहा है उसको बहन मायावती जी भी पढ़ लेंगी तो उनको भी शर्म आएगी अपने पर कि मैं तो केवल वोट मांगती हूँ, बाबा साहब तो तुम्हें मांगती नहीं है।